हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने 11th का फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन सेट्स हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आज बच्चों हम लोग रिलेशन फंक्शन का चैप्टर करेंगे, जिसमें से आप लोगों को बच्चों क्या करना है। रिलेशन फंक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका 2.1 जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से कट गया है। लेकिन बच्चों ये आपका टॉपिक सिलेबस से सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के लिए कटा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में ये हर बच्चे के लिए काम आएगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को करवाऊंगा, रीजन क्योंकि इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन फ्यूचर 12th क्लास में आप लोगों को काम आएंगे, तो इसलिए करना जरूरी है। एक क्लास की बात है, एक क्लास आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। इस तरह जितने भी टॉपिक जो मुझे लगेगा कि हाँ वो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन बच्चों ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हो सकता है 12th क्लास में आपके काम आए। तो इसलिए प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार रिलेशन फंक्शन में क्या चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेशन फंक्शन, जिसमें बच्चों रिलेशन क्या है ये नेक्स्ट क्लास में, फंक्शन क्या है ये उसके नेक्स्ट क्लास में। अभी सबसे पहले सेट्स का ही एक छोटा सा टॉपिक जो रिलेशन फंक्शन को कवर करता है वो बातें बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपके इस सेशन से हटाया गया है लेकिन सीखना जरूरी है, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो सेट है, ए बी सी, ठीक है जी, और आपके पास बी सेट है एक्स वाई, ये, और आपसे बोला गया ए क्रॉस बी निकालो। आपसे क्या बोला गया? ए क्रॉस बी निकालो। तो बच्चों ये ए क्रॉस बी का मतलब ही कार्टीजन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कार्टीजन मतलब दो अलग अलग सेट को आपस में एक साथ करना, और वो कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखेंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी क्रॉस एक्स वाई। अब ये करते कैसे हैं ध्यान से देखना। पहले ए को एक्स से, तो ये हो जाएगा ए एक्स, फिर ए को वाई से ए वाई, फिर बी को एक्स से बी एक्स, फिर बी को वाई से बी वाई, फिर सी को एक्स से सी एक्स, फिर सी को वाई से सी वाई। और इस तरीके से बच्चों आप लोगों का ए क्रॉस बी खत्म होता है, ठीक है। अब लेकिन अगर आपसे बोल दे कि भाई अब ना नाउ अब आप बी क्रॉस ए निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो ये रहा बी क्रॉस ए, कीजिए क्या बन गया? एक्स ए एक्स बी एक्स सी, फिर वाई ए वाई बी वाई सी, ये बन गया। अब बात आती है बच्चों, अगर आप देखोगे, अगर मैं अब आपसे पूछूं क्या ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, तो कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर हाँ है, कुछ बोलेंगे नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो आंसर है कि भाई ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे ए क्रॉस बी को, तो भाई ए एक्स ए वाई दिया हुआ है, ए एक्स ए वाई दिया हुआ है, यानी ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है जबकि वाई एक्स जो है वो वाई एक्सिस पे है। लेकिन अगर वहीं बी क्रॉस ए में आप इसी चीज को देखते हो तो ये किसको, एक्स खुद एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रहा है जबकि ए किसको कर रहा है, वाई। तो देखो दोनों ने अपने अपने कंडीशन को तो चेंज कर दिया ना, दोनों ने अपने अपनी कंडीशन को चेंज तो कर दिया। ये मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं, बाकी अगर मैं इसके इसके रिलेशन के हिसाब से समझाऊं, ठीक है, इसके तरीके से समझाऊं, तो देखो ध्यान से देखना क्या है बच्चों। ये ए एक्स यानी ए आगे की तरफ एक्स पीछे की तरफ, इसका मतलब क्या है कि जरूर ये आगे वाला जो होगा वो आगे वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो पीछे वाला होगा
वो पीछे वाले सेट से बिलोंग करेगा। ठीक, अब यहां पर जो है, यहां पर भी ऐसा ही फील हो रहा है हमें, यहां पर भी ऐसा ही फील हो रहा है हमें कि आगे वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, पीछे वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, और इससे हम डिफरेंस नहीं पता लगा सकते। लेकिन एक समस्या हो रही है, क्या? अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप यहां पे देखेंगे क्या कि भाई जितने भी यहां पे कंटेंट दिए हुए हैं, आप उसको अगर जरा ध्यान से देखोगे तो सबने अपने प्लेस एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रख रखे हैं, एक फिक्स्ड यानी कि ब्रैकेट में रख रखे हैं, और अपने प्लेसों को चेंज कर लिया है। मतलब यहां पे देखो, यहां पे इसका ये फिक्स प्लेस है AX, और लेकिन यहां पे जो इसका फिक्स प्लेस है उसमें इन्होंने अपने आप को रिवर्स कर दिया है, ए इधर एक्स इधर। और इससे हुआ क्या, जब प्लेस चेंज हो गया तो इनके द्वारा रिलेशन करने वाला जो क्रॉस मल्टीपल है, जो इनका कार्टिजन प्रोडक्ट है, उसने अपनी वैल्यू पूरी तरीके से क्या कर दी, चेंज। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं कभी भी 2 3 और 3 2 को बराबर नहीं लिख सकता हूं, कभी भी 2 3 और 3 2 को बराबर नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 2 3 को प्लॉट करेंगे कुछ यहां, जबकि 3 2 को प्लॉट करेंगे आप यहां। तो क्या ये कभी भी आपस में बता दीजिए मुझे इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इस वजह से बच्चों हम लोग क्या नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये छोटी सी कंडीशन थी कार्टिजन प्रोडक्ट की कि आखिरकार कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, करो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं फर्स्ट करवाता हूं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, एग्जाम्पल फर्स्ट करवाता हूं। एक्सिस वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि क्या एक्सिस कह रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी रिलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको, अभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है एक्स प्लस 1, y-2 बराबर 3, 3, 1। कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो बस हम भाई एक्स वाले एक्सिस को एक्स वाले से कंपेयर करते हैं, जबकि वाई वाले को वाई वाले से कंपेयर करते हैं। तो एक्स प्लस 1 बराबर 3 और y-2 बराबर 1। तो ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो इस तरीके से बच्चों एक्सिस सॉल्व करके हम लोग इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे तो आपको पी ए कमा बी कमा सी और क्यू आर ये दिखाई दे रहा है। तो कह रहा पी क्रॉस क्यू निकालिए और क्यू क्रॉस पी निकालिए। ठीक है जी, ये ए कमा बी कमा सी क्रॉस आर, इनको कर देंगे तो क्या बनेगा, ए आर बी आर सी आर। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या बनेगा, आर क्रॉस ए बी सी, तो क्या बन जाएगा, आर ए आर बी आर सी। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हम ए आर क्यों नहीं लिख सकते, मल्टीपल कर रहे हैं। तो बच्चों मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एक सेट से दूसरे सेट की तरफ जाया जाता है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर इसको इसकी तरफ बढ़ा दिया तो इसको इधर से कर दे देंगे तब भी तो वही आएगा, लेकिन नहीं बच्चों ऐसे नहीं होता। जो पहले होता है, जो बाद में होता है, उसी की तरफ से जाया जाता है। अगर पहले क्यू है तो क्यू से पी की तरफ जाएंगे, हम कभी भी पी से क्यू की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल का कार्टिजन प्रोडक्ट का ये रूल होता है कि जो पहले लिखा होता है उस हमेशा उसके एलिमेंट को पहले, और जो बाद में लिखा होता है उसके एलिमेंट के बाद में ही कैरी किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो, और देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। ठीक है, नोट करो, फिर करवाता हूं एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
तो आपने नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। ए सेट दिया है आपको 1 2 3, बी सेट दिया है आपको 3 4, और सी सेट दिया है आपको 4 5 6। ठीक है जी। अब आपसे कुछ कुछ बोला गया है, ये करना है आपको। पहला, ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो। पहले पार्ट में ये बोला गया है कि भाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों पहले किस चीज को सॉल्व करना चाहिए? बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करना चाहिए। तो बी कितना है? 3 4। इंटरसेक्शन क्या है? 4 5 6। हाँ जी, क्या होगा इंटरसेक्शन? तो इंटरसेक्शन आया भैया आपका 4। बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपका? 4। नाउ अब क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए कितना है? ए है आपका 1 2 3, ठीक है। क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना आपका? 4। बी इंटरसेक्शन सी कितना आपका? 4। अब लो भाई मल्टीपल करो, 1 4 2 4, क्रॉस कर रहे हैं 3 4, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 1 4 2 4 3 4, ठीक है भाई। ये आपका हिसाब किताब बन गया किसका? इसका। तो ये आपका आंसर है। अब आपको ये पहले पार्ट में पूछ लिया। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड नहीं, पहले थर्ड कराता हूं, थर्ड बताता हूं। ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अब आपको पता ही है क्या करोगे, पहले बी यूनियन सी निकालोगे फिर ए से क्रॉस कर देना, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूं आपको सेकंड, अब मैं आपको करवा रहा हूं सेकंड। ये सेकंड क्या, मैं फोर्थ करवा देता हूं, सेकंड आप खुद करना, ठीक है। मैं फोर्थ करवा रहा हूं। फोर्थ क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये करना है। तो बच्चों आप आइडिया लगा ही सकते हो कि पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना चाहिए, और ए क्रॉस बी क्या है? 1 2 3, ठीक है। क्रॉस 3 4, क्रॉस करो भाई। तो क्या बनेगा? 1 3 2 3 3 3, ठीक है। फिर क्या बनेगा? 1 4 2 4 और 3 4। ये क्या आया आपका? ये आपका आया ए क्रॉस बी। आप क्या निकालेंगे? ए क्रॉस सी। ए कितना है? 1 2 3, और सी कितना है? 4 5 6। यूनियन कर दो इसका, सॉरी पहले क्रॉस तो करो, पहले क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए क्रॉस सी कर लिया। क्या कर लिया? ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी का क्या करना है? यूनियन। तो ठीक है जी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो हाँ जी, अब यूनियन करते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी लिख लो, 1 3 2 3 3 3, 1 4 2 4, ठीक है, 3 4। ये आ गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब इसका कर दो यूनियन, यूनियन करो भाई। 1 3, ठीक है। 1 3 के बाद 1 वाली और कोई पार्टी है? हाँ है। कौन? 1 4। तो 1 4 1 4 एक साथ रिपीट हो रहा है, बात खत्म। 1 3 हो रहा है, हाँ जी 1 3 लिख दिया। या एक काम करो, पहले 1 3 देखो, 1 3 लिख दिया, 2 3 2 3 इसमें रिपीट तो नहीं कर रहा? चलो नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा होता एक ही बार लिखते, ठीक है। फिर 3 3 3 3 चेक कर लो इसमें, 3 3 3 3 नहीं है। फिर क्या चेक कर लो? 1 4 1 4 रिपीट कर रहा भाई, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, इस पे ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद 2 4 2 4 भी रिपीट कर रहा है, एक ही बार लिखेंगे 2 4।
फिर आता 3 4, 3 4 रिपीट कर रहा है, हाँ भाई 3 4 भी रिपीट कर रहा है, तो 3 4 भी एक बार लिखेंगे। अब जिन जिन को हम ये निशान लगा चुका हूं मैं, जिन जिन को मैं टिक कर चुका हूं, इसका मतलब वो रिपीट हो रहे हैं, वो लिख चुका हूं, तो जो बच गए उनको लिख दो। कौन कौन है? 1 5, 1 6, 2 5, 2 6, 3 5, 3 6। और इसी के साथ बच्चों आपका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आ चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, उसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन तो मैंने तुम्हें निकाल के दिखाई दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो अगले, यानी सेकंड था क्या था? हाँ सेकंड था। तो सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें इंटरसेक्शन निकालना है, सेम क्वेश्चन यही है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है, उसमें यही चीज निकालनी है। तो इंटरसेक्शन देखो मैंने मार्क कर रखा है, वही आपका इंटरसेक्शन का आंसर है। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए इसे, इसे जल्दी नोट कीजिए। कर लीजिए इसे नोट कर लीजिए। 2.1 खत्म करा दूंगा आज। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा आपने। चलो कोई डाउट हो, वैसे इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन तो जब रिलेशन शुरू करवाऊंगा वहां से नए नए चीजें आपके सामने आएंगी, ये तो पहले भी सीख चुके हो, बस एक नई बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 4, और आपको दिया हुआ है P इज इक्वल टू 1 2, P इज इक्वल टू 1 2, और आपसे कहा है कि P क्रॉस P फाइंड करो, यानी P को 3 बार आपस में क्रॉस कराओ। तो भाई 3 बार से पहले 2 बार होता है कभी भी, तो पहले 2 बार कराएंगे, पहले क्या कराएंगे? 2 बार कराएंगे। करा लो 1 1, 1 2, 2 1, 2 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? P क्रॉस P क्रॉस P। ठीक है, अच्छा देखो पहले 2P का जो क्रॉस था वो तो ये था, पहले 2P का जो क्रॉस था वो ये है, सही बात है। और तीसरे P का क्या है? तीसरे P का है 1 और 2, तो बस बात खत्म कर दो। 1 1 को 1 से, तो 1 1 1 1। ठीक है, फिर किससे? फिर 2 से, 1 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 2 1 1, फिर 2 1 2। ठीक है, फिर किससे? 2 2 से, फिर 2 2 1, और फिर 2 2 2। और बच्चों इस तरीके से हमने क्या देखा कि बच्चों P क्रॉस हमारा ये पूरा का पूरा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बच्चों देखो इसमें दो प्रोडक्ट थे, दो एलिमेंट, तो 4 बने। इसमें 4 थे, इसमें 2 थे, तो देखो 8 बनेंगे, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को P क्रॉस P निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत? फटाफट इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, तो इसी तरह 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हो इजीली, एक्स और वाई का कंपैरिजन है। फिर ए कह रहा है कि इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, कह रहा है ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? अब जैसे देखो ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं हमें नहीं पता, बस इतना पता है 3 एलिमेंट्स है, और कह रहा है बी के अंदर है 3 4 5, तो 3 4 5 मतलब 3 एलिमेंट इसमें भी है, तो कह रहा बताओ कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? अरे तो 9 एलिमेंट्स होंगे, सीधी सी बात है।
क्यों? क्योंकि तीन इसके तीन इसके मल्टीपल होंगे तो नाइन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, ये निकालना है। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि अगर पी की वैल्यू अप्रूव करना बच्चों, ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर कह रहा पी एम एन है और क्यू एन एम है तो बताइए क्या पी क्रॉस क्यू ये होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए? वो इसने ये पूछा है। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, पी क्रॉस क्यू चेक करते हैं भाई। पहली बात तो चेक करने की जरूरत है नहीं, क्यों? दो एलिमेंट इसमें, दो एलिमेंट इसमें, क्रॉस कराओगे तो टू टू जब फोर होता है, यानी इसके अंदर फोर एलिमेंट आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? दो। चाहे तो चेक करके देख लो, एम एन एम एम एन एन और एन एम, देखो चार एलिमेंट होने चाहिए थे लेकिन दो थे, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। खत्म पार्ट नंबर सेकंड। इसके बाद कह रहा है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। अच्छा चलो मैं यहां पे पहले आपके डाउट क्लियर करूं। नॉन एम्प्टी का मतलब यह हुआ कि वो खाली नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे नॉन एम्प्टी देखते ही समझते हैं कि खाली यानी नल सेट, नहीं ऐसा नहीं है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिजिट, कोई ना कोई लेटर पक्का है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। आगे बोला है कि ए क्रॉस बी इज, अब कह रहा है भाई जब ए और बी ही नॉन एम्प्टी सेट नहीं है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो कह रहा सेट ऑफ ऑर्डर एक्स वाई सच एज एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग, हाँ कह रहा है भाई कि ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है यानी खाली नहीं है, खाली नहीं है। तो कह रहा है क्या ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा? बिल्कुल डेफिनेटली यार, जब ये खाली नहीं है, ये दोनों सेट ही खाली नहीं है तो ये इनका क्रॉस खाली थोड़ी होगा, इनका क्रॉस भी खाली नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंडीशन पूरी तरीके से क्या है? ट्रू है। ठीक, कंडीशन नंबर थर्ड कह रहा है कि ए अगर वन टू है और बी अगर आपका थ्री फोर है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव बताओ क्या होगा? नहीं, कह रहा है क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव फाइव होगा? बिल्कुल होगा, सही बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, बी इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा? फाई ही आएगा। और जब किसी फाई की ए से मल्टीपल कराओगे तो वापस क्या आ जाएगा? फाई हो जाएगा। एक तरह से जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही होगा, तो इसलिए ये भी रिजल्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है? ट्रू है। ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। एक मिनट एक मिनट, मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रू है, एक मिनट चेक करने दो मेरे को। नहीं ट्रू ही है यार, क्योंकि हाँ ठीक है ट्रू है, क्योंकि इसका मल्टीपल, क्योंकि जब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। इसका इंटरसेक्शन जब फाई आएगा तो इसका इंटरसेक्शन भी इसके साथ क्रॉस, हाँ सही है, बी इंटरसेक्शन फाई, तो भाई इंटरसेक्शन क्या है? फाई। और जब किसी फाई वाले से ही इंटरसेक्शन मतलब नल सेट से ही क्रॉस करोगे तो नल सेट ही तो आएगा, सही है बिल्कुल ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? फाइव। फाइव खुद कर लोगे, ईजी है। फिर है सिक्स क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा है, ये देख लो, इसे नोट करो पहले, इसे नोट करना चाहते हो करो फटाफट, वीडियो पॉज करो और नोट करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो इसे। ठीक है, चलो अब देखो, कह रहा सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए क्रॉस बी, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब कह रहा है तो बताओ ए की ए सेट कितना है और बी सेट कितना है, क्या क्या है? तो मैंने क्या समझाया था, जो आगे वाला होता है वो आगे वाले सेट से होता है, जो पीछे वाला होता है वो पीछे वाले सेट से होता है, यही समझाया था ना, तो बस बात खत्म। हाँ भाई, आगे वाला ए, आगे वाला ए रिपीट हो रहा है छोड़ दो, पीछे अगला आगे वाला बी,
ठीक है, ये होगा आगे वाला बी, तो ये रिपीट हो रहा, छोड़ दो। तो इसका मतलब ए के अंदर ए और बी है। अब बी, हाँ भाई, पीछे वाला किसका होता है? बी का होता है। तो एक्स और साथ में वाई, फिर एक्स, एक्स रिपीट हो रहा है, रहने दो, वाई रिपीट हो रहा है, रहने दो, बस बात खत्म। अब देखो, दो एलिमेंट, दो एलिमेंट, देखो चार एलिमेंट है, हो गया खत्म। इस तरीके से करना होता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 7, भाई ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, 9 बता देता हूं, लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। कह रहा है 9th क्वेश्चन में, कह रहा है ए और बी, जिसमें ए के अंदर तीन एलिमेंट बता रहा है और बी के अंदर दो एलिमेंट बता रहा है। कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी में, अगर ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट आते हैं, ए क्रॉस बी में ये तीन एलिमेंट दिखा रखे हैं, मतलब असल में देखो कितने होने चाहिए भाई, अगर ए के अंदर थ्री एलिमेंट हैं, बी के अंदर टू एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? सिक्स एलिमेंट होने चाहिए थे। सिक्स में से तीन एलिमेंट उसने दे रखे हैं, तो बताओ ए कितना है और बी कितना है, बस बात खत्म। मैंने क्या बताया था? आगे वाला किसका होता है? आगे वाला किसका होता है? ए का, ठीक है। तो आगे क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, और कुछ तो नहीं दिख रहा, ए आ गया। बी, पीछे वाला किसका होता है? बी का। तो वन दिख रहा है, टू दिख रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, बात खत्म। तो इसका मतलब देखो, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? तीन, एक्स वाई जेड। बी के अंदर दो एलिमेंट है, वन और टू, मल्टीपल करके कितने एलिमेंट बनेंगे? सिक्स एलिमेंट, खत्म, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए क्रॉस ए के अंदर नाइन एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? नाइन एलिमेंट्स हैं, और नाइन में से दो एलिमेंट पहले ही दे रखे हैं। नाइन में से दो एलिमेंट पहले ही दे रखे हैं, तो ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं, ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं। तो अगर ये 9 में से दो एलिमेंट पहले ही दे रखे हैं, तो कह रहा रिमेनिंग 7 एलिमेंट के बारे में बताओ, रिमेनिंग 7 एलिमेंट के बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। तो देखो भाई, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है आगे वाला, और पीछे वाला भी किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। तो जरूर, क्योंकि दोनों ए क्रॉस ए चल रहा है, तो ए जरूर क्या रहा होगा? आगे वाला क्या है? -1, और फिर क्या है? 0। और पीछे वाला भी किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। तो 0 दोबारा रिपीट तो करेंगे नहीं, बचा 1। तो इसका मतलब ए क्या है? ए है आपका -1, 0 और 1। अच्छा, कैसे पता चला ये तीन होंगे? क्योंकि बच्चों एलिमेंट कितने हैं? 9। क्योंकि 3 क्रॉस 3 करोगे तभी तो 9 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 तभी तो 9 आएगा। तो बस ए क्रॉस ए कर दो, ए क्रॉस ए कर दो, क्या बनेगा? -1 -1, -1 0, -1 1, फिर क्या बनेगा? 0 -1, 0 0, फिर क्या बनेगा? 0 1, 1 -1, 1 0 और 1 1। अब लिख लो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। हाँ भाई, तो इन दो को छोड़ के, इन एक तो इसको छोड़ना है और एक इसको छोड़ना है, इन दो को छोड़ के बाकी सारे लिख दो। -1 -1, -1 1, 0 -1, 0 0, 1 -1, 1 0 और 1 1। ये आपका आ गया ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसी के साथ आपका 2.1 क्या होता है? पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका, ठीक है भाई, ये 2.1 क्या होता है? खत्म। तो आप पहले जल्दी से इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर आता है रिलेशन फंक्शन, मतलब रिलेशन शुरू होएगा। लेकिन बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि रिलेशन जो है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करवाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में पहले मैं अच्छे से डिटेल करना चाहता हूँ, और अभी ऐसा ना हो कि 10-15 मिनट की क्लास में मैं आपको ये छोटी छोटी बातें सिखाऊं, ठीक है। पहले कंडीशन सिखाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, कंसेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो ज्यादा मजा आएगा
रिलेशन फंक्शन करने में, ठीक है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, वो भी कोर्स से हट चुका है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है इसकी कुछ बातें आपको वहां पे काम जरूर आएगी 12th क्लास में, और अभी आगे की एक्सरसाइज में भी काम आएंगी, इस वजह से मैंने ये करवाया है, क्योंकि अगर ये नहीं करवाता तो फिर वहां पे जब अगर मैं समझाता आपको तो हो सकता था शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो इसलिए बच्चों मैं ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने नहीं आने दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, सीखना जरूरी है तभी बुक में है, ठीक, वरना होता ही नहीं बुक में, ठीक। अच्छा अब क्या है, अब बात आती है टेस्ट की, अब बात आती है टेस्ट की, तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं ट्रिगो का टेस्ट लेने जा रहा हूं मैं, ठीक है, अभी एनसीईआरटी से ही होएगा आपका, और बाहर से भी कोई मैं क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूं, ठीक है, ट्रिगो से आपका टेस्ट होएगा, ठीक है, जिसमें से आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में से जनरल सॉल्यूशन हट चुका है, ट्रिग्नोमेट्री में से क्या हट चुका है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन हट चुका है, तो उसको छोड़कर बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे भेजना, ठीक है, अभी सिर्फ एनसीईआरटी से टेस्ट हो रहा है, ये बात मैं पहले ही बता दूं, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक, इसके बाद जो टेस्ट होगा वो मैं एमएल अग्रवाल वगैरह के भी क्वेश्चन के लूंगा, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से टेस्ट होगा, ठीक है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी कर लीजिए, इसमें मैं आप लोगों को भाई 3.4 बस आप लोगों को कट कर रहा हूं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि कोर्स में से कट गया इसलिए, ठीक है, बाकी सिखा तो मैंने दिया ही है, ठीक, और बाकी सारे अपनी क्लास को रेडी कर लीजिए, ठीक, और ये नेक्स्ट आप ये मान के चलिए, हाँ कहाँ कब, फ्राइडे, फ्राइडे को आप लोगों को इस चीज का टेस्ट होगा, जिसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि फ्राइडे को जो मैं टेस्ट लेने वाला हूं उस टेस्ट को कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको फ्राइडे वाले दिन ही बता दूंगा कि कितने बजे टेस्ट होगा, और उस टाइम तक आप लोग रेडी हो जाना, टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ठीक है, और वो जैसे ही आपके पास आ जाएगा बस तुरंत शुरू हो जाना है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितना भी टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर उसे सॉल्व करके 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास आ जाना चाहिए, तभी पेपर चेक होगा। अगर मान लीजिए मैंने 7 बजे टेस्ट रखा और 7 से 7:45 तक का टेस्ट है, तो वो 7:50 तक मेरे पास हर हाल में टेस्ट आ जाना चाहिए, अगर वो 5:1 हो गया, 7:51, तो उसका टेस्ट चेक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, तो 7:50 मतलब 7:50, ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट होगा, वो टाइमिंग जरूरी नहीं है 7 बजे ही हो, जिस भी टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और मुझे उस टाइम तक सभी बच्चों का टेस्ट चाहिए, चाहे वो अब 40 मिनट का टेस्ट हो, 45 मिनट का हो, या पूरे 1 घंटे का हो, ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है, और जल्दी से इनको नोट करके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाइए, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।